हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी रीजनिंग की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। किस चैप्टर की? डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी की। करेक्ट, ये आपकी आज 5th क्लास है, 5वीं क्लास है। 4 क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपको YouTube के माध्यम से, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे, तब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपको सीक्वेंस से एक एक करके सारी क्लासेस को देखना है। और बेटा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर करिए वीडियो। अब देखते हैं, आज 25 नंबर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, 25 नंबर, 24 नंबर तक हम फाइनली सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 25 नंबर। देखिए 25 नंबर में क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्यों प्यारा है अभी आपको जस्ट पता भी लग जाएगा। अभी आप प्रीवियस ईयर क्लासों में मूव करा रहे थे, पर किसी का नाम नहीं था ना किस पर्सन को मूव करा रहे हैं। रैंडमली बस लेफ्ट राइट मूव करा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे एक प्यारे से भाई आए हैं जिनका नाम है अभिषेक। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव्स 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू। एंड रीचेस पॉइंट क्यू क्या है, देखते हैं। अभिषेक, अभिषेक जी हैं भैया, ये क्या करते हैं? अब इनका पता लगा सकते हैं ना कि अभिषेक एक पर्सन है जिसका नाम है, और वह किस किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, फाइनली पहुंचेगा कहाँ पे, तो इसकी रोटेशन का भी आप पता लगा सकते हैं। करेक्ट, मतलब कि क्लू वर्ड इसका ये है कि ये जहाँ पे जाएगा आपको जानकारी पता मिल हो जाएगी, क्योंकि इसका रैंडमली कोई फिक्स नाम है। चलिए, अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। और बिंदु क्यू पर पहुंचता है अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण आपका किधर होगा इसका फिर बेटा, बताइए। हाँ, दक्षिण बोलने का मतलब इसका किधर होगा, वह नीचे चलेगा लोअर साइड पे। और किस बिंदु से स्टार्ट किया था, बिंदु पी से। दूरी कितनी कवर की, 15 मीटर। करेक्ट, 15 मीटर दूरी कवर करता और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु क्यू पर पहुंचा दिया, फिर वह फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर दूरी चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर की दूरी कवर करता है। अब देखिए, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साउथ का बाया किधर हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड। करेक्ट, चलिए साउथ में साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद वह बाएं लेता है और 7 मीटर दूरी चलता है। कितनी दूरी चलेगा, 7 7 मीटर। बिंदु कौन सा कैरी करता है, पॉइंट आर वह कैरी करता है, आर पर वह पहुंचता है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब बताइए, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है अब, तो ईस्ट का बायां किधर होगा, अपर साइड होगा ना। चलिए, अपर साइड मुड़ गया और कितनी दूरी कवर की इसने यहाँ पे, और यहाँ पे उसने 10 मीटर दूरी कवर की, 10 मीटर दूरी कवर की। और बिंदु एस पर पहुंच जाता है, और बिंदु एस पर पहुंच गया, एस पॉइंट पर पहुंच गया। अब देखिए, इसकी इस क्वेश्चन की सबसे मेन लाइन अभी आपकी ये छिपी हुई है, इसको आपको सही से ध्यान दे के करना है। बिंदु S पर तो पहुंच गया, अब S पे देखिए इसने क्या किया, हाँ कुछ किया इसने, देखिए क्या किया। बिंदु S से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, और उसी बिंदु पे जब वह पहुंचा, वहां से फिर वह किस कुछ चीज याद आ गई होगी या कुछ भूल गया होगा ना, किसी को बताना नहीं चाह रहा होगा कि पहले हम इधर जाते हैं, फिर घूम के हम रिटर्न होके फिर दूसरी साइड में जाएंगे ना ये, क्योंकि अभी उसका आपको नाम पता चल गया है, तो उसने भी दिमाग लगाया, अब वह मुझे पता लगा लेगा कि मैं कहाँ जाऊंगा फाइनली। करेक्ट, चलिए। और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले तो एस पॉइंट पर पहुंच गया, इसके बाद एस से पॉइंट एस ही टर्न्स 180 डिग्री 180 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड टेन टर्न्स 270 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और ये अच्छे से आपको सॉल्व करना आता है। सबसे पहले पॉइंट स्पेस ने क्या किया, पॉइंट स्पेस ने ये किया कि 180 डिग्री वह एंटी क्लॉकवाइज घूमा,
एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 270 डिग्री वह क्लॉकवाइज घूमा, तो इनका डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज की वैल्यू आपकी बड़ी है तो क्लॉकवाइज का ही वो साइन आएगा। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलने का मतलब है नॉर्मल राइट, करेक्ट, नॉर्मल राइट। तो अब देखिए यहाँ से एस पॉइंट से नॉर्मल राइट मुड़ेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, करेक्ट। और कितनी दूरी कवर करता है, ये दूरी कवर करता है 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इतना तो कर लिया। अब देखिए भैया इनकी क्या कंडीशन होगी, फिर इसके बाद ये पाँच मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। अब भैया जी यहाँ ये बिंदु टी पर पहुंच गए, करेक्ट। इसके बाद बिंदु टी से वह एक 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए बिंदु टी से इसने क्या कंडीशन कर दी, बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं दिशा में मुड़कर 5 मीटर दूरी कवर करता है। अब देखिए बिंदु टी से बाएं कितना 90 डिग्री बाएं कैसे मुड़ेगा, किस डायरेक्शन में मुड़ेगा बताइए, बाएं इसका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बाया इसका क्या होगा, अपर साइड, करेक्ट। और राइट दाया कहाँ होगा, लोअर साइड। ये बात समझ में आए, तो अभी फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो बाया इसका क्या होगा बेटा, ऊपर। और कितनी दूरी कवर की इसने, बाया इसका ऊपर होगा, और कितनी दूरी ये कवर करेगा, चलिए दूरी कवर की इसने 5 मीटर, और बिंदु यू पर वह पहुंच जाता है। अब ये यहाँ पे बिंदु यू पर रुका आके, बताइए कितना कुछ किया इसने, और हमको तो पता लग ही जाएगा फाइनली पहुंचेगा कहाँ पे, कितनी दूरी चला ये 5 मीटर, इस वाई डायरेक्शन में कितना चला 5 मीटर, यहाँ बिंदु टी पर वह पहुंच गया था। अब देखिए इसमें यू पर पहुंच के फाइनली वह रुक जाता है। अब देखिए इसको पता लगाते हैं ना, लगाना पड़ेगा कहाँ पे पहुंचेगा। पहली कंडीशन है इस क्वेश्चन की आपकी, बिंदु पी और यू के बीच की बेटा न्यूनतम दूरी बताइए। तो देखिए पहले बिंदु यू और पी आपका कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे बिंदु पी आपका ये है, यू आपका ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी का आपको पता लगाना है, करेक्ट। इसके बीच की न्यूनतम दूरी का आपको पता लगाना है। देखिए इसकी दूरी को पता लगाने के लिए Q और R की दूरी देखिए, डिस्टेंस ये कितनी है, आप बोलेंगे 7 मीटर, Q से R तक की डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर। इसके बाद S से T की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, 7 और 5 ये दोनों रेखा इसके पैरेलल हो जाएंगी, करेक्ट। तो 7 और 5 को जब आप ऐड करेंगे, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो इस पूरी की दिशा की डायरेक्शन, सॉरी P से U तक की जो दूरी है डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी 12 मीटर। ये बात समझ में आई, तो पहले कंडीशन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या लिखी है देखिए, अब देखिए विद रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में सापेक्ष में पूछता है वहां से आप केवल एरो चला दीजिए, आपको दिशा उसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन भी बेसिक कर लिए थे प्रीवियस ईयर क्लास में, इसीलिए कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्लास को देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या आएगी है देखिए, पढ़िए बिंदु एस, बिंदु जो आपका एस है बेटा पी से किस दिशा में है, देखिए बिंदु आपका जो एस है वह पी से किस दिशा में है, तो जिसके सापेक्ष में पूछा जाए बस कुछ नहीं करना आपको, वहां से एक तीर चला दीजिए, यहां से इसकी डायरेक्ट दिशा पूछ रहा है ना, यहां से आप तीर चला दीजिए। अब देखिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी आपकी, देखिए सबसे पहले तो ये जो एरो जा रहा है किस साइड में जा रहा है, आप बोलेंगे लोअर साइड मतलब साउथ में, इसके बाद ये एरो लेफ्ट साइड जा रहा है राइट साइड में, आप बोलेंगे राइट साइड में, तो साउथ ईस्ट इसकी बेटा हो जाएगी डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। समझ में आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, और हर क्वेश्चन में आपको लेवल पढ़ता हुआ ही दिखेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में।
अब भैया अमित है एक, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन पहुंचे अमित, अब पर्सन का नाम भी दे दिया गया अमित। अमित जो है देखिए ये अमित जी क्या करते हैं, अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है, अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है, चला दीजिए पहले इसको पूर्व दिशा में। अमित भैया बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलते हैं, चल गए। इसके बाद अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलते हैं और 10 मीटर की दूरी कवर करते हैं और बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं, 10 मीटर की दूरी कवर करते हैं और बिंदु क्यू पर ये पहुंच जाते हैं, क्यू पर ये पहुंच जाते हैं, आगे पढ़िए, क्यू पर पहुंच जाते हैं और फिर दाएं मुड़कर, और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर दूरी चलते हैं ठीक, और बिंदु आर पर पहुंचते हैं। चलिए ईस्ट दिशा में अभी चल रहा है तो ईस्ट का आपका दाया क्या हो जाएगा, लोअर साइड नीचे की दिशा, करेक्ट। ईस्ट से वह दाएं मुड़ते हैं और 7 मीटर की दूरी वह चला, बिंदु कहां पहुंचा, बिंदु आर पर पहुंच गया, आगे आर पर पहुंच गए, बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बिंदु अभी साउथ डायरेक्शन जा रहा है, साउथ डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं वह, साउथ डायरेक्शन से वह बाएं मुड़ गया और साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका बायां आपका किधर होगा बताइए, साउथ डायरेक्शन में अगर चल रहा है पर्सन तो आपका राइट इसका लेफ्ट होगा, इसका लेफ्ट आपका राइट होगा, करेक्ट। चलिए यहां से वह बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ा दीजिए, बाएं मुड़ने के बाद कितनी दूरी कवर की और किस पॉइंट पे पहुंचा वो, तो आप देखिए बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है, बिंदु एस पर पहुंचा, आगे देखिए बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, बिंदु एस से वह, बिंदु एस से वह दक्षिण वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा, ये आप इसको साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं, वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, दोनों ये आपके करेक्ट हैं, पर ज्यादातर लिखा क्या होता है पहले साउथ फिर उसके बाद वेस्ट। अब देखिए यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, यहां से भैया इसकी साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ये, करेक्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ये साउथ का मतलब देखिए नीचे जा रहा है, वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई भी इस पॉइंट पे दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद ये कितनी दूरी चला, पॉइंट कौन सा कैरी किया इसने, बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, ये दूरी कितनी कवर की इसने, 17 मीटर, और बेटा देखिए 17 मीटर दूरी कवर करता है और बिंदु टी पर पहुंचता है, बिंदु टी पर पहुंच गया, बिंदु टी से वह, अब देखिए बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है, अब बताइए अभी अब इसका पश्चिम किधर होगा, राइट पर पश्चिम बोलने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, करेक्ट, तो यहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ा और पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर की दूरी कवर की, 10 मीटर की दूरी कवर की, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर की दूरी इसने कवर कर ली, जब भैया इसने 10 मीटर की दूरी कवर की और बिंदु यू पर पहुंच गया, आपको तो पता चल ही जाएगा किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी ये कवर किया और कहां कहां पे मुड़ा, कितने पैसे इसके खर्च हुए, सारा कुछ डेटा आप इंक्लूड करके बता सकते हैं। चलिए अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की, ये तो बन गया आपका फिगर और टाइप फोर में आपको बिना फिगर के आप इसकी दूरी नहीं बता पाएंगे, करेक्ट। चलिए कंडीशन क्या है देख लेते हैं, पहली कंडीशन है आपकी क्या पूछा गया है, बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, बिंदु क्यू और टी की, बिंदु आपका क्यू ये है, टी आपका ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए ये दूरी आपकी 7 है ठीक, अब देखिए कुछ आपको ट्रिपलेट लिखाए थे, आप कहेंगे बिल्कुल इसीलिए, तो आपको आप देखो यहाँ पे इस बच्चे को ट्रिपलेट नहीं याद है,
वह यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर जाके बच्चों के तरीके से वो सॉल्व करेगा, जो कि आपका टाइम टेकन ज्यादा होगा, समय भी आपको ज्यादा लगेगा, इससे बेहतर है। तो मैंने कुछ ट्रिपलेट लिखाए थे, एक ट्रिपलेट आप याद कीजिए 8, 15 और 17 का लिखाया था। ट्रिपलेट कौन सा लिखाया था आपको? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बहुत ही प्यारे तरीके से लिखाया था, और मैंने कहा था आपको ये याद रखने हैं, करेक्ट। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिपलेट का यूज होगा 8, 8, 15, 17। हाइपो आपकी 17 ज्यादा है, तो मतलब 8, 15, 17 वाला ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी 15 और 17 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 8। और पूछा क्या गया पहली कंडीशन में, Q से T के बीच की न्यूनतम दूरी, करेक्ट। क्यू से टी के बीच की न्यूनतम दूरी तो कितनी हो जाएगी? 7 और 8 को आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 मीटर। कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया गया है? बिंदु यू के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है? यू के सापेक्ष में बिंदु यू के सापेक्ष में पी किस दिशा में है? हाँ यही तो लिखा है बेटा, देखिए बिंदु U के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में पूछा जाए वहां से आप एरो खींच दीजिए, साइड आपकी आ जाएगी दिशा। हाँ बिंदु U के सापेक्ष, बहुत अच्छे से आपको देखना है, बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P की दिशा बताइए। देखिए बस आप एरो खींच दीजिए, आप बिंदु U के सापेक्ष P की दिशा क्या हो जाएगी बताइए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। अपर साइड जा रहा बेटा, क्या हो जाएगी? नॉर्थ। बात समझ में आई? नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है, नॉर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप पहुंच गए 27 नंबर पे। अब देखिए 27 नंबर पे क्या प्रक्रिया है। अवनी, हाँ महिला मित्र का नाम आ गया, किसी गर्ल्स का। अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्लू पर पहुंचती है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंचती है, वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु एफ पर पहुंचती है और एफ पर पहुंच जाती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है। हाँ आकांक्षा से मिलती है जो कि पूर्व दिशा से आ रही है। अब आपको बताना है बिंदु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में चल रही है या आ रही है। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन, बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, देख लिया क्वेश्चन, चलो सॉल्व करने की बारी आती। अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, अवनी जो है बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद बिंदु W पर पहुंचती है, 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु S पर पहुंचती है, बिंदु W पर पहुंचती है, W पर पहुंचती है। आगे देखिए W पर पहुंचती, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब बताइए साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका दाया किधर होगा? आपका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, आपका राइट। हाँ तो दाएं मुड़ जाती है तो दाएं इधर क्या हो जाएगा, ये वेस्ट साइड में, और दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर देखिए क्या लिखा है, चलने के बाद वह W पर पहुंच जाती, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु X पर पहुंचती है। 6 किलोमीटर भैया चलिए और बिंदु X पर पहुंच गई। आगे देखिए, आगे लिखा है वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, फिर से वह अपने बाएं मुड़ती है। अब देखिए वेस्ट डायरेक्शन पर जा रहा है, बाएं बोलने मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट किधर हो जाएगा इसका? साउथ डायरेक्शन में मुड़ती है, ठीक है, बाएं मुड़कर, अपने बाएं मुड़कर वह 12 किलोमीटर चलती है, कितनी दूरी चली वह? 12 किलोमीटर और बिंदु एफ पर पहुंच जाती है, बिंदु एफ पर
जाती है, बिंदु एफ पर पहुंच गई। अब देखिए आगे।